Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel that is Zubair Nangroo Lecturers. So, today I am going to give you a guest paper that is authentic, authenticated guest paper of class 11th, chemistry subject. Before discussing the guest paper, I request all of you kindly subscribe this channel. So, we have a guest paper of chemistry 11th subject, class 11th. आपको ओवरऑल हंड्रेड मार्क्स है हंड्रेड मार्क्स में से 70 मार्क्स थोरी के है एंड जो थर्टी मार्क्स है वो है प्रैक्टिकल सो विथाउट वेस्टिंग योर प्रेशर्स टाइम मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा कि हमारे पास कितने चैप्टर्स है हमारे पास ओवरऑल फोर्टीन uh, चैप्टर्स है तो हर किसी चैप्टर में अलग अलग वेटेज है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट वन वट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट वन दे इंक्लूड यूनिट वन जो है दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये जो गैस पेपर है आप अच्छे से उतार दीजिएगा अपनी कॉपीज पे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आसानी भी हो जाएगी फिर क्वेश्चन देखने में सो वट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट फिर उसके बाद है हमारा केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन फिर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिर उसके बाद है आपको एलिमेंट एटम एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल को देखना है ये क्या होते हैं एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल शॉर्ट आंसर है ये ठीक है ये जो यूनिट है इट कैरीज फाइव मार्क्स ये आपको ख्याल रखना है ये जो यूनिट है ये इट कैरीज फाइव मार्क्स फिर उसके बाद है डाल्टनस थ्योरी डाल्टनस थोरी ओके देन वु हैव ये फर्स्ट यूनिट है बस दीज आर एन एफ क्वेश्चन इन यूनिट वन सो कमिंग टू यूनिट सेकेंड वी हैव दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इट कैरीज फाइव मार्क्स इसमें भी पांच मार्क्स है तो इसका मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएगा इसमें सो so, इसमें सिंपल आपको दो तीन क्वेश्चन देखने हैं दैट इज आइसोटोप्रोस क्या होते हैं सेम मालिकुलर फॉर्मूला वही देखना है आपको आइसोटोप्स आइसोबार्स देखना है आइसोबार्स देखना है रथरफोर्ड्स मॉडल देखना है इसमें आपको रथरफोर्ड्स मॉडल ठीक है और इसके अलावा आपको देखना है डिब्रोगलेस इक्वेशन ठीक है एच न्यू वो वाली इक्वेशन आपको देखनी है डिब्रोगलेज इक्वेशन और हेजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पोजिशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते वो आपको देखना है हेजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और लास्ट में आपको देखना है इसमें ऑफ एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बस दैट इज एन एफ इन दिस यूनिट इन दो यूनिट में तो इसी में से आ जाएगा सो कमिंग टू यूनिट थर्ड सो हमें देखना है वट इज यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में कितने क्वेश्चन है यूनिट थर्ड जो है इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पिरोटिक प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरॉडिसिटी पीरियोडिस इन प्रॉपर्टी ठीक है यह भी आसान है इसमें आपको पांच मार्क्स है सो so, इसका मतलब यह भी अच्छे वेटेज का है सो वट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट दे इंक्लूड मॉडर्न एंड पीरॉडिक लॉ देखना है आपको जो मोजलिस लॉ है मॉडर्न पीरियडिक लॉ पीरॉडिक लॉ यह आपको देखना है ठीक है और साथ में आपको देखना है एटॉमिक रेडिय, आयनिक रेडिय, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिय, आयनिक रेडिय, ठीक है इसके अलावा आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी ठीक है इसके अलावा क्या देखना है आप लोगों को इसमें दैट इज नहीं आई थिंक दैट दिस इज दिज आर एनएफ इसमें यह एनएफ है अब फोर्थ यूनिट पे हम आ जाएंगे बस लेकिन इट कैरीज फाइव मार्क्स तो इतने क्वेश्चन आपको जरूरी पढ़ने हैं कमिंग टू यूनिट फोर्थ वी हैव यूनिट फोर्थ जो हमारा है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मालिकुलर स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यह कितने मार्क्स ऑक्यूपाई करता है यह भी पांच मार्क्स ऑक्यूपाई करता है तो इसका मतलब इसमें से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाएगा सो so, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दैट इज आइनिक एंड कोलेंट बाइनिक एंड आइनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ठीक है साथ में आपको देखना है इसमें रेजोनेंस क्या होती है रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन देखनी है आप डिफरेंट के मॉलिकली सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स के बाय वेस्पर थोरी के थ्रू ठीक है वेस्पर थोरी और साथ में लास्ट में हाइड्रोजन बाउंड देखना है इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाउंड हाइड्रोजन बाउंड बस खत्म ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया ठीक है अब इसके बाद इसके बाद जो कितने यूनिट्स हो गए चार फिफ्थ यूनिट कमिंग टू यूनिट फिफ्थ यूनिट फिफ्थ दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये ज्यादा ये ज़्यादा मार्क्स ऑक्यूपाई करता है दैट इज सिक्स मार्क्स अब देखना है कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है स्टेट्स ऑफ मैटर में दैट इज इसमें से आपको देखना है इंटरमोलिकुलर इंटरक्शन इंटरमोलिक्युलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन देखने हैं इसमें ठीक है बॉयलर्स लॉ देखना है आपको बॉयलर्स लॉ एंड एव लॉ लॉ ठीक है ओके अब फिर कौन सा क्वेश्चन है इसके अलावा इसके अलावा देखना है इसमें आपको दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है आइडियल गैस इक्वेशन इसको डिराइव करनी है आपको ठीक है पीवी इज कॉल्ड एनआरटी डिराइवेशन ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर साथ में देखना है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ठीक है वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन एंड लास्ट में विस्कोसिटी खत्म ठीक है ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया नाउ कमिंग टू अब इसके बाद जो यूनिट है दैट इज कितनी यूनिट हो गए हमारे पांच यूनिट है इज डायनेमिक्स यूनिट सिक्स दैट इज थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से एक क्वेश्चन एक मार्क्स कम है दैट इज फोर मार्क्स ठीक है अब कितने क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे वो आप देख लोगे सिंपल है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देखनी है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ठीक है ये क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी देखनी है आपको हीट कैपेसिटी कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी ठीक है फर्स्ट लॉ देखना है आपको फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ हिस्ट इज लॉफ कॉन्स्टेंट हीट समेसन हिस्स लॉफ कॉन्स्टेंट हीट समेसन हीट समेसन और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है सिंपल सा शॉर्ट आंसर सिस्टम और सराउंडिंग देखने हैं सिस्टम के टाइप्स और सराउंडिंग बतानी है कि सराउंडिंग क्या होता है बस खत्म सराउंडिंग ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया ठीक है नाउ इस वाले यूनिट में इतना था नाउ कमिंग टू सेवंथ यूनिट दैट इज इक्विलिब्रियम यूनिट सेवन दैट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ये फिजिकल है अभी इसमें से पांच मार्क्स खत्म ठीक है पांच मार्कस में देखने हैं क्या क्या आ जाएगा पांच मार्कस में सिंपल पहला क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा दैट इज लॉ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन मास एक्शन लीचेटलेज प्रिंसिपल देखना है इक्विलिब्रियम पे ही होता है ये लीचेट लेयर प्रिंसिपल ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम होता है किन फैक्टर्स पे निर्भर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ठीक है बफर सॉल्यूशन देखना है आप लोगों को बफर सॉल्यूशन, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो आ जाएगा जरूर कन्फर्म सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जरूरी है एप्लीकेशन भी देखना है इसके और लास्ट में कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट खत्म ये वाला यूनिट भी ठीक है नाउ कमिंग टू एट यूनिट जो हमारा एट्थ यूनिट है वो हम देखेंगे कौन सा है एट्थ यूनिट क्या है रिडॉक्स रिएक्शन दो मार्क्स है तो इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यूनिट एट दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तो सिंपल है जब आपको ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता होगा तो रिडक्शन तो दोनों का मिक्स है इसलिए इसका नाम रखा है रेड Red का मतलब है रिडक्शन ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन सो इसमें सिंपल आपके क्वेश्चन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या क्या होता है बट इलेक्ट्रॉनिक थ्री के थ्रू बोलना है आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमोल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू नहीं ज्यादा बेहतर रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन

कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बता नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन इसमें दो मार्क्स इसमें भी दो मार्क्स थे अब हाइड्रोजन में कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है सिंपल है आइसोटोप्स वो पहले भी आया था ये आपको देखना है इसमें आइसोटोप्स हाइड्रोजनस के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बताना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ये देखना है आपको हीट सॉरी हैवी वाटर बताना है हैवी वाटर क्या होता है ठीक है और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आजकल आ सकता है दैट इज ए हाइड्रोजन एज ए फ्यूअल ये जरूरी आ जाएगा हाइड्रोजन एज ए फ्यूअल खत्म ठीक है ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया अब इसके बाद देखना है हमें कौन सा यूनिट दैट इज यूनिट टेन यूनिट टेन दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट s एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अर्थ मेटल्स ठीक है इसमें देखना है हमें छह मार्क्स है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है छह मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप देखनी है आपको डायगोनल रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्वेश्चन आ जाएगा इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडिये आ जाएगा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर एटॉमिक एंड आयनिक आ जाएगा इसमें वेरिएशन भी बतानी है इसकी ठीक है क्यों वेरिएशन हो रही है एनएसएल एंड एन एच के प्रॉपर्टीज देखने हैं सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टीज बताने हैं ठीक है जो हमारा क्विक लाइम है दैट इज सी ए कैल्शियम ऑक्साइड इंडस्ट्रियल यूज़ बताना इसको क्योंकि हम पेंट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं इससे बनाते हैं हम इंडस्ट्रियल यूज़ और लास्ट में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ख़त्म ये वाला यूनिट भी नाउ कमिंग टू ये वाला यूनिट फिर से देखो क्या क्या है इसमें ठीक है देख लो अच्छे से इसके बाद हम देखेंगे कौन सा दैट इज़ यूनिट अलेवन यूनिट 11, यूनिट अलेवन दैट इज सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है इसमें भी पांच मार्क्स है तो इसका मतलब महत्वपूर्ण है ये वाला भी अब इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है लंबा है लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चन इससे निकाले दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है निकालना भी है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कैसे निकालते हैं बोरेक्स को देखना है ठीक है बोरेन को देखना है बोरेन फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन इसके बाद जो महत्वपूर्ण आ जाएगा दैट इज क्या होता है ठीक है लेंथनिंग जब हम करते हैं कार्बन चेन कैटेनेशन बोलते हैं एलोट्रॉपी क्या होता है जैसे कार्बन क्या होते हैं ग्रेफा डायमंड वो आपको बताने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन ये जरूरी है ग्रेफा डायमंड एंड फिर सिलिकॉनस एंड सिलिकेट्स इसमें से एक आ जाएगा सिलिकॉनस एंड सिलिकेट्स सिलिकेट्स खत्म ये वाला यूनिट ठीक है ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया नाउ कमिंग टू यूनिट ट्वेल्व अब आ गई ऑर्गेनिक हमारी ठीक है ऑर्गेनिक में क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स देखो नाइन मार्क्स है नाइन मार्क्स ठीक है तो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है देखो पहले टेक्निक जो है इसमें प्यूरिफिकेशन देखनी है आपको प्यूरिफिकेशन मेथड क्या क्या होता है जो भी हमारा कंपाउंड है उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं प्यूरिफिकेशन मेथड्स ठीक है पैक दो एक दो मालिकुलर देख सकते हैं दे बताएंगे इनका आयु पैक बताना है ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है फिर उसके बाद है रेजोनेंस बताना है आपको रेजोनेंस क्या होती है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई एंड पाई बाउंड ठीक है हाइपर कंजुकेशन क्या है जिसको नॉन नो बाउंड रेजोनेंस भी बोलते हैं ठीक है या बैक एंड एंथर इफेक्ट यहां ठीक है सिंपल है या इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंडक्टिव इफेक्ट मेरे इसके वीडियो तो भी है यूट्यूब पर आप देख सकते हो इसमें ठीक है फिर इंपॉर्टेंट जो है इसमें कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल कार्बनाइन भी हो सकता है तो कार्बोकेटाइन को उल्टा कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है कार्बोकेटाइन के एसपी टू एसपी टू उसमें एसपी थ्री हाइब्रेडाइजेशन फिर आपके कुछ रिएक्शन आ सकते हैं रिएक्शन टाइप लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ऊपर वाले हैं ठीक है खत्म ठीक है नाउ कमिंग टू यूनिट थर्टीन ये फिर से देखो ठीक है कमिंग टू यूनिट थर्टीन यूनिट थर्टीन जो है दैट इज हाइड्रोकार महत्वपूर्ण है ये वाला यूनिट भी दैट इज हाइड्रोकार्बन इसके भी नाइन मार्क्स है इसमें नाइन से ज्यादा भी आ सकते हैं ठीक है, है? जरूरी नहीं है कि नाइन मार्क्स रखिए नाइन मार्क्स क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाला अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है अलकेनस जो होते हैं ना पहले आपके अल्केन का मतलब होता है जिनपे सिंगल बॉन्ड होता है कन्फर्मेशन देखना है आपको ठीक है सिटगर्ड एंड एकपसिड कन्फर्मेशन देखना है आपको ईथिन का इथिन मालिक्यूल को बनाना है ऐसे ठीक है हमारे पास इथिन मालिक्यूल ऐसे है सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक है इसको हमें देखना है आदर इसको सीधा वाई ऐसे दिस इज इक्लिप्सड कन्फार्मेशन दिस इज सहारस एंड दिस इज न्यू मैन दिस इज इक्लिप्सड या इसको उल्टा करना है सीधा वाई और उसको उल्टा करना है दिस उल्टा वाई सीधा वाई सेम रखो इसको उल्टा वाई करो दिस इज So, इसके भी वीडियोज है मेरे पास देख लेना वो भी क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है आपको फायदा मंद फायदा मिल जाएगा उसके बाद आपका फ्री रेडिकल देखना है फ्री रेडिकल से थ्रू हेलोजनेशन करनी है आपको ये अलकेन में, है, अलकेन में। आप, जो है न, आपका अल्किन की थोड़ा बहुत प्रेपरेशन देखनी है ठीक है डिहाइड्रोजिनेशन करनी है प्रेपरेशन और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ट्रानस सेम साइड होता है ट्रानस अपोजिट साइड होता है वो देखना है आपको फिर उसके बाद जब एडिशन होता है चाहे एच बी आर का एच आई का वो मारकानी कफ़ रूल मारकानी वो कफज रूल रूल के थ्रू करना है और परसाइड जो उल्टा होता है एंटी मारकानी कफज परसाइड इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड इफेक्ट ठीक है ये तो आ जाएगा ओजोनोलिसिस देखनी है आपको ओजोनोलिसिस ठीक है खत्म अलकाइन भी खत्म आप अलकाइन हमें देखना है अलकाइन में क्या देखना है आपका कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टर क्योंकि जब आप रोटा निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज है वो अलकाइन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है खत्म ये वाला फिर हमारा एरोमेटिक एरोमेटिक जो होता है हाइड्रोकार्बन इड्रोकार्बन एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेस देखनी है आपको एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेस ठीक है रेजोनेस ऑफ बेनजीन बेनजीन ठीक है और साथ में देखो ये वाला अब साथ में क्या देखना है आपको इसके अलावा इसके अलावा आपको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टूशन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्यूशन रिएक्शन और फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन उसमें अल्काइलेशन भी आ जाएगा एसाइलेशन भी आ जाएगा फ्रेडर क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप हमें ऐड करना है अल्काइल में क्या करना है अल्काइल जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है सिंपल सी हमने अल्काइल ग्रुप ऐड किया है ठीक है यहां से जिसकी इज अलकाइलेन इन प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री अगर हमारे पास ऐसे ही बेंजीन रिंग है हमने एसाइल ग्रुप ऐड किया है दिस इज एस ग्रुप ये वाला ग्रुप हमने यहाँ ऐड किया दिस इज एसाइलेशन सिंपल फंदा है ठीक है ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया अब लास्ट वाला यूनिट जो है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेकिन इसमें कम आपका है दैट इज यूनिट फोर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एम बी आई आर ओ एन एम एन टी आर केमिस्ट्री इसमें खाली दो मार्क्स है तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दो मार्क्स निकाल सकते हो लेकिन अब दो मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा बस खत्म उतना ही याद करना है इसमें से ज्यादा याद नहीं करना वाटर पोल्यूशन को बताना है क्या होता है ठीक है यार वाटर पोल्यूशन इस ड्रेन बताना है क्या होता है इस ड्रेन ओजोन लेयर बताना है ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होती है क्या होती है इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गैसेस ठीक है ओजोन लियट डिप्लीशन ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है ठीक है विंटर्स में हम ग्रीन हाउस डालते हैं उसकी वजह से अंदर टेम्परेचर बढ़ता है इसी वजह से हमारे एटमासफेर में भी क्या हुआ है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड वैन द रेज कमिंग फ्राम सन रिचिस अर्थ दे डोंट गो बैक रिजल्टिंग इन टेम्परेचर इंक्रीज टाइम तेम सी क्या उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग ये भी इससे निकल जाएगा खत्म आपको हो सकता है कि लेक्स में आ जाएगा लेटर लैक वाटर पोल्यूशन लैक वाटर पोल्यूशन इसमें से आपको दो तीन लेक है एक का याद रखो दूसरे का वही लगा दो ठीक है डाल का है बुलर का है मानसर का है एक का याद रखो दूसरे का वही लगा दो बस चेंज करो नाम ठीक है बट फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है ना वट आर दे वट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन ये हो सकता है यही आ जाएगा क्वेश्चन टू रिड्यूस पोल्यूशन ग्रीन मेथड्स हमारे पास कौन से है कि हम रिड्यूस करेंगे पोलूशन को सो दिस दिस वॉज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ अलेवंथ क्लास होप फुली आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा इसकी वजह से और मैं सोच रहा हूँ कि हर कोई यूनिट है उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके एक एक यूनिट का एक एक वीडियो बनाऊँगा ताकि अगर आपके पास फोर्टीन यूनिट है तो फोर्टीन वीडियोज बनाऊँगा उसी में से आ जाएगा आपका सारा थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन